हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। मैं विनी क्लब का दोस्त अनुज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आपके घर में कोई पुरानी बैटरी होगी, खराब हो गई होगी, तो आपको मिल सकते हैं उसके अच्छे खासे दाम। तो दाम आपको कितने मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो में होने वाला है। सो हम वीडियो में बताने वाले हैं कि आपके घर में जो पुरानी बैटरी होगी, आप वो कहीं पे भी रख देते हैं या किसी को भी दे देते हैं, आपको अंदाजा नहीं होता कि उसकी प्राइसिंग आपको कितने मिलने वाली है, तो उसके अच्छे खासे दाम आपको मिल सकते हैं। तो बैटरी किसी को मत दीजिए, स्टोर करके रख दीजिए, आपको उसके अच्छे खासे दाम मिल सकते हैं। तो बैटरी आपको कहाँ बेचना है, किसको देना है, सारी बातें इस वीडियो में हम पता करने वाले हैं। और बैटरी के आपको कितने दाम मिलेंगे, सो वो भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो बन रहे वीडियो के अंत तक, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सारी बातें जानते हैं। सो फ्रेंड्स, हो सके तो आपके घर में जो पुरानी बैटरी है उसका वेट पता कीजिए। वेट पता इन द सेंस, जैसे आपके घर में कोई छोटी बैटरी तो छोटी बैटरी का ज्यादा वेट नहीं होता, पर आपके घर में अगर बड़ी बैटरी है तो उसका वेट कर लीजिए, प्रॉपरली उसका वेट कीजिए, एग्जैक्ट उसका वेट कितना है। अगर आपके पास में कोई कांटा वगैरह है तो उस पर कर लीजिए, या फिर कबाड़ी में चले जाइए, उनके पास में रहता ही है किलो कांटा, तो वहां जाके आप एग्जैक्ट वेट पता कर लीजिए। अब वेट पता करने के बाद में आपको क्या करना है, सो वेट पता करने के बाद में आप उसका प्राइसिंग के बारे में पता करेंगे कि उसका प्राइसिंग आपको कितना मिल सकता है। सो सबसे पहले हम इसका एक कैलकुलेशन जान लेते हैं। सो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सो इसका कैलकुलेशन ऐसे होता है, बैटरी बैकबैक वैल्यू इज इक्वल टू पुरानी बैटरी, जो आपकी पुरानी बैटरी है, स्क्रैप बैटरी है, इनटू लीड प्राइस पर केजी, जो लीड प्राइस होता है बैटरी का। सो हिसाब से प्राइसिंग चेंज होते रहते हैं, कभी आपको 70 रुपए मिलेंगे, कभी 80, कभी 82, कभी 85, कभी 90, कभी 95, ये महीने के हिसाब से या फिर क्वार्टरली के हिसाब से, 2 महीने में, 6 महीने में, ऐसे रेट, मतलब या डेली वाइज रेट चेंज होते रहते हैं। तो ये रेट आपको पता रहना बेस जरूरी है। अगर आपको नहीं मालूम इसके रेट्स वगैरह, तो मुझे आप मैसेज कर दीजिए, मतलब कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स पे, उसके रेट मैं आपको बता दूंगा, वो दिन का रेट कितना चालू है तो मैं आपको बता दूंगा। तो हिसाब से अभी हम एक 150 एज की बैटरी का कैलकुलेशन कर लेते हैं। 150 एज की बैटरी इज इक्वल टू उसका दोस्तों स्क्रैप वेट। दोस्तों जब आपकी बैटरी पुरानी हो जाती है, पुरानी होने के बाद में उसमें जो वाटर रहता है, वाटर जो डिस्टिल वाटर है, एसिड प्लस डिस्टिल वाटर, पूरा सूख जाता है। सूख जाने के बाद में जो बैटरी बचती है, तो उसी का वेट किया जाता है। जैसे 150 एच की नई बैटरी जो 50 किलो की, मान लीजिए 50 किलो की है, जब वो ड्राई बैटरी हो जाती है तब उसका वेट दोस्तों 25 किलो मान लीजिए बच जाता है। तो 25 किलो इंटू अभी जो रेट चल रहा है 85, तो 25 × 85 कर लीजिए, तो आपकी प्राइसिंग आएगी 2550। मतलब ये हो गया आपका बैटरी का रेट। सो ये रेट आप अगर कहीं पे जाते हैं डायरेक्टली अपनी बैटरी दे देते हैं, तो आपको वेट नहीं पता होता है और रेट भी नहीं पता होता है, तो आपको उसके बहुत ही कम प्राइस मिल जाते हैं। जैसे 1000 रुपए मिल सकते हैं, कोई 1200 देंगे, कोई 1500 देंगे, पर अगर आपको एग्जैक्ट रेट चाहिए होंगे तो आप ये थोड़ी सी नॉलेज रख लीजिए। सो ये आपको काम में आएंगे। अगर आपके घर में कोई पुरानी बैटरी है, आपको स्क्रैप के बारे में थोड़ा नॉलेज भी होगा, जो काफी लोगों को स्क्रैप बैटरी के बारे में पता रहता है, पर ऐसे भी लोग हैं जिनको प्राइसिंग के स्क्रैप बैटरी के बारे में पता नहीं रहता है, सो वो किसी को भी दे देते हैं और जितनी रकम उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, या फिर जिनको पता भी है सो उनको ये लीड के प्राइसेस और बैटरी के प्राइसेस पता नहीं होते, शॉप में जाने के बाद में वो जितना मिलता है पैसा वो ले लेते हैं। सो आपको अगर एग्जैक्ट प्राइस पता करना है, सो ये वीडियो में आपको पता चल गया होगा। सो ये बातें आप जान लीजिए और ध्यान में रख दीजिए। सो फ्रेंड्स, आपकी कोई भी कंपनी की बैटरी है, मतलब कोई भी कंपनी, मार्केट में काफी सारी कंपनी अवेलेबल है, जैसे एक्साइड होगी, एसएफ सोनिक होगी, एमरोन होगी, काफी फेमस कंपनी है, सभी को मालूम है। उसके साथ में ल्यूमिनस होगी, ओकाया होगी, ल्यूगार्ड होगी, ल्यूफास्ट होगी, और काफी सारी लोकल कंपनी है। सो आपके पास में कोई भी कंपनी की बैटरी हो, कोई भी कंपनी की, आप कोई भी शॉप में चले जाइए, आपके नियरेस्ट डीलर, मतलब नियरेस्ट एरिया में, आपके एरिया में नियरेस्ट कोई भी शॉप होगी, कोई ऑथराइज डीलर होगा, तो वहां पे चले जाइए। गराज में मत जाइए, गराज वाले आपको प्राइस नहीं देंगे। एक नियरेस्ट डीलर बैटरी शॉप में जाइए, बैटरी शॉप में जाने के बाद में अगर आपको एग्जैक्ट वेट पता है और आपको नॉलेज है, तो आपको जितनी रकम चाहिए उतनी रकम वो दे देगा, अगर एग्जैक्ट प्राइस आपको पता है तो। अगर पता नहीं है तो वो आप अपने हिसाब से आपको कितना भी प्राइस दे सकता है। अगर आपको एग्जैक्ट प्राइस चाहिए तो आप ये थोड़ा नॉलेज रख के उसके पास में जाइए और उसको बताइए कि इसका इतना वेट है तो हिसाब से मुझे प्राइसिंग चाहिए, तो वो आपको दे देगा। वो ज्यादा बातचीत नहीं करेगा क्योंकि उसको मालूम है कि आपको भी काफी सारी नॉलेज है, तो आपको जितना प्राइसिंग चाहिए वो दे देगा। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम कुछ बैटरी के कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे, जैसे छोटी बैटरी से बड़ी बैटरी, उसकी प्राइसिंग, मतलब उसके कितने किलो की होती है और कितने किलो तक के, मतलब कितना प्राइस आपको मिल सकता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटी बैटरी जो होती है, जो आपके मोटरसाइकिल में लगती है, सो वो दोस्तों छोटी बैटरी होती है, वो 1-8 किलो की आती है, तो उसके आपके ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए मिलते हैं। मतलब मान लीजिए 85 के हिसाब से ही चलते हैं हम, 1 से 1.5 किलो की रहती है तो आपको उसके 100 रुपए तक के मिल जाएंगे। मान लीजिए थोड़ी बड़ी बैटरी है, कार की बैटरी है, वो 35 एज की रहती है, तो 35 एज का दोस्तों वेट होता है 8 kg। उसके बाद भी यहाँ पे हम पहले सीरीज लिख लेते हैं सारे, 35 किलो, 88 किलो, 100 किलो, 150 एज, 200 एज, सो ये हिसाब से यहाँ पे हमने लिख दिया है। उसके बाद में हम इसका किलो लिखेंगे,
35 की बैटरी होती है, 8 किलो की, 88 की, 20 किलो की, 100 की, 25 किलो, 150 की, 30 किलो, 200 की, 40 किलो और ये जो छोटी छोटी बैटरी है 1 किलो की होती है। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे हम इनटू इसमें 85 लगा लेंगे तो आपको भी यहाँ पे प्राइसिंग दिख गए होंगे। 35 किलो के आपको मिलेंगे 680, 88 की मिलेंगे 1700, 125 किलो की है 100 एच की तो वहां पे 2125, 150 की आपकी 2550, 200 एच की आपको मिलेंगे 3400 और जो 1 किलो की उसके 100 मिलेंगे। सो इस हिसाब से दोस्तों ये आपके बैटरी के प्राइसिंग हो गए। सो आप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपके घर में कोई पुरानी बैटरी है तो उसको मत बेचिए, उसको स्टोर करके रख दीजिए और थोड़ा सा नॉलेज लेके शॉप में चले जाइए, आपको उसके अच्छे खासे दाम मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए, वीडियो के रिलेटेड स्क्रैप बैटरी रिलेटेड या कोई भी बैटरी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा सो कमेंट करिए, उसके रिलेटेड जैसे आपको पता है हम लोग वीडियो बना के ला लेते हैं। सो फ्रेंड्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन दिख रहा है आपको उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन सारे वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। सो हस्त रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।